आज डॉक्टरों के अनुसार विधायक सुखराम बिश्नोई की हालत बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है तथा उनको अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी गई। विधायक बिश्नोई की बीपी 169/100 है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। विधायक सुखराम बिश्नोई के साथ बैठे भूख हड़ताल पर 12 लोगों की हालत भी बहुत गंभीर बताई जा रही है। उनका यूरिन कीटोन 3 है, फिर भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। चीफ लोढ़ा अपनी हट धार्मिकता पर अड़े हुए हैं। अभी तक उस कमेटी के बारे में न तो कोई सुझाव आया, न कोई चेकिंग हुई, न कोई दूसरी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वापस काश्तकारों के 5 आदमी 10 आदमी लेकर देखो कि कैसा काम चल रहा है। घटिया काम है, उसको जुड़ा कर नया काम करवा जाए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस संगठन में ही शक्ति है। अगर दादे आएंगे तो राज देखेंगे कि इतने पब्लिक है इस आंदोलन में, इसलिए अपनी बात सुनेंगे। नहीं आएंगे तो अपना सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे विधायक जी सक्षम आदमी है, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, हमारे सुनने वाले हैं, इसलिए आप इनका पूरा सहयोग दो तो अपना काम अपने आप ही सहयोग दें। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान। अब बहुत बहुत धन्यवाद जोधाराम जी केसूरी। इस बीच लाल 4 दिनों आप देखा तहसीलदार जी एक पगड़ी फाड़े आवेर जय। तहसीलदार जी हूँ धरने की तरफ निवेदन है कि जब तक ये नर्मदा नहर के परियोजना के अधिकारी पहले बार तो आकर यहाँ किसानों के सामने माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने जो उल्टा बयान दिया हमारा कोई राजीपा नहीं होगा, चाहे नहर में आप कितना पानी छोड़ दो। सीधी सी बात है, 3 दिनों से उल्टी बात कर रहे थे, धरना गलत है, कभी कहते धरने पर राजनीति हो रही है, कभी कह रहे पानी हमारा ठीक है। क्या गलत है क्या सही है, सामने आकर नर्मदा नहर के अधिकारी बात करें, उसके बाद ही यह वार्ता शुरू की जाएगी। परसों साहब आपके ध्यान में हो कि विधायक जी की तबीयत एकदम नासाज है, कीटोन भी बहुत ज्यादा है। कीटोन का मतलब पैसा। युवराज जी उनको नियुक्त किया गया है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध भी जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विकास एवं निर्माण कार्य की उपयुक्तता के अनुसार ही स्वीकृत किए जाएंगे, उपयुक्त होंगे। जो कहने का मतलब जो विकास और निर्माण कार्य भविष्य में जो उपयुक्त होंगे आज है, और नहर के जल वितरण का विवरण ये अलग से लेकर के आए हैं। तो मेरा क्योंकि आज यहाँ सातौर के SDM साहब भी जल हो रहे हैं और इन सभी बिंदुओं से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है।